है और उसको और गर्म करोगे तो स्वच्छ सॉल्यूशन बनाते हैं। इसकी खोज सन 1866 में हुई, ठीक है, इसकी खोज सन 1866 में हुई थी। तो हम लिखेंगे इसका संक्रमण ताप, इसका संक्रमण ताप 145 डिग्री तथा गलनांक 178 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, ठीक है। अतः इसको कैसे दर्शाएंगे, देखो 145 गलनांक 178 खोज 1866 में हुई, तो हम लिखेंगे यहाँ पर कोलेस्टेरॉल बेंजोएट, अगर इसको 145 डिग्री पर हीट करोगे तो कोलेस्टेरॉलिक बेंजोएट की कौन सी अवस्था आएगी, यह है सॉलिड स्टेट, यह है लिक्विड क्रिस्टल, ठीक है। अब इसको और गर्म करोगे 178 डिग्री तक, तब कोलेस्टेरॉल बेंजोएट की कौन सी अवस्था आ जाएगी, क्लियर लिक्विड, क्लियर लिक्विड अवस्था आ जाएगी, ठीक है। तो ये पहला खोजा गया था कोलेस्ट्रोल बेंजोएट जिसका संक्रमण ताप कितना है 145, मतलब 145 डिग्री पर ठोस कोलेस्ट्रोल बेंजोएट को अपन गर्म करेंगे तो वो लिक्विड क्रिस्टल में बदल जाएगा, और उस लिक्विड क्रिस्टल को 178 डिग्री पे और गर्म करोगे तब वो क्लियर सॉल्यूशन में बदल जाएगा। इसका अगर उल्टा बोलूं मैं तो क्लियर लिक्विड है कोलेस्ट्रोल बेंजोएट का, उसको 178 डिग्री तक ठंडा करोगे तब वो लिक्विड क्रिस्टल में बदल जाएगा, और उसको 145 डिग्री तक ले जाओगे तब वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ठोस क्रिस्टलीय बेंजोएट में कन्वर्ट हो जाएगा। इसके बाद और भी लिक्विड क्रिस्टलों की खोज हुई, कोलेस्टेरॉल बेंजोएट के पश्चात निम्न द्रव क्रिस्टल खोजे गए, ठीक है। तो हम टेबल बना के उनको देखेंगे कि कौन कौन से हैं। यहां पर अब हम लिखेंगे लिक्विड क्रिस्टल, द्रव क्रिस्टल, टीटी,
संक्रमण ताप और गलनांक। यहां पर हमारे पास आएगा मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, तो सबसे पहला जो लिक्विड क्रिस्टल इसके बाद खोजा गया वो है हमने पास डाइएथिल बेंजीडीन, डाइएथिल बेंजीडीन ठीक है, इसका जो संक्रमण ताप था वो आया 115 डिग्री और इसका जो गलनांक है वो है 120 डिग्री, 120 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, मतलब 115 पे इसको गर्म करोगे तो ये किसमें लिक्विड क्रिस्टल में चला जाएगा और 120 करोगे तो स्वच्छ द्रव में बदल जाएगा। जो दूसरा है अपने पास में वो है पैरा एजोक्सी एनिसोल पैरा एजोक्सी एनिसोल, इसका जो संक्रमण ताप है वो 116 डिग्री और इसका गलनांक है 135 डिग्री। ठीक है, फिर ऐसे ही और थर्ड अपन लिखेंगे पैरा एजोक्सी फेनिटोल फिनेटोल। ठीक है, पैरा एजोक्सी फिनेटोल जो इसका ट्रांजिशन टेम्परेचर है वो है 137 डिग्री और जो इसका संक्रमण ताप है वो है 167 डिग्री। ये तीन हुए, और भी अपने पास लिक्विड क्रिस्टल है ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है पैरामिथोक्सी पैरामिथोक्सी सिनेमिक अम्ल। ठीक है, इसका जो ट्रांजिशन टेम्परेचर है वो 170 डिग्री है और इसका गलनांक 186 डिग्री है। तो ये कुछ अपने पास में द्रव क्रिस्टल है। ठीक है, ये कुछ द्रव क्रिस्टल है जिनके संक्रमण ताप इस प्रकार है कि पैरा जो एजोक्सी फेनिटोल है वो 137 डिग्री पर लिक्विड क्रिस्टल में बदलेगा और 167 डिग्री पर इसमें बदल जाएगा क्लियर सॉल्यूशन में। जो अपना पैरा मेथोक्सी सिनेमिक अम्ल है वो 170 डिग्री पर क्या होगा लिक्विड क्रिस्टल में बदलेगा और 186 डिग्री पर किसमें बदल जाएगा क्लियर सॉल्यूशन में बदल जाएगा। तो ये अपना टॉपिक हुआ किसका लिक्विड क्रिस्टल के बारे में हमने पढ़ा, मीजोमोर्फिक स्टेट के बारे में पढ़ी। अब हम अंतर देखेंगे कि ठोस द्रव और लिक्विड क्रिस्टल में क्या अंतर होते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक आएगा अपने ठोस द्रव तथा द्रव क्रिस्टल में अंतर।
देखो शुरू में जब हमने टॉपिक शुरू किया था तब बोला था कि जो द्रव क्रिस्टल होते हैं वो विषम देशिकता के गुण दर्शाते हैं, जो आविल द्रव होते हैं विषम देशिकता गुण दर्शाते हैं, इस कारण उसको ठोस के समान माना और क्रिस्टलीय द्रव बोल दिया। फिर थोड़ी देर बाद हमने देखा कि जो गुण थे आविल द्रवों के वो द्रवों से खूब मैच खाते थे, द्रवों से ही ज़्यादा गुण मैच खाते थे, मतलब जैसे द्रव बहता है तो ये भी बहते हैं, मतलब बहने की प्रवृत्ति होती है, शांतता दर्शाते हैं, पृष्ठ तनाव दर्शाते हैं, तो द्रवों के गुण भी आए इनके पास में और ठोसों के भी आए, तो इन दोनों के मध्यवर्ती अवस्था बोला गया। देखेंगे द्रव क्रिस्टलों के कुछ गुण ठोस अवस्था के समान होते हैं जबकि कुछ गुण द्रव अवस्था के समान होते हैं। अतः द्रव क्रिस्टलों को ठोस व द्रव अवस्था के मध्यवर्ती अवस्था माना गया। संरचनात्मक रूप से ठोस द्रव व द्रव क्रिस्टलों में निम्न विभिन्नताएं होती है। देखो अब अपना टॉपिक जा रहा है कि डिफरेंस बिटवीन लिक्विड क्रिस्टल सॉलिड एंड लिक्विड, ठोस द्रव व द्रव क्रिस्टलों में क्या अंतर होता है। तो हमने बोला कि इसके कुछ गुण क्या होते हैं, ठोसों जैसे होते हैं, कुछ गुण द्रवों जैसे होते हैं और ये इन दोनों की मध्यवर्ती अवस्था है। तो अपन देखेंगे कौन से गुण तो ठोस के जैसे हैं, कौन से गुण इनके द्रवों की जैसे हैं। ठीक है, तो अब अपन एक टेबल बनाएंगे जिसमें ठोस द्रव और लिक्विड क्रिस्टल को अलग अलग देखेंगे गुणों के आधार पर। यहां लिखेंगे हम गुण प्रॉपर्टी, ठीक है, इसके बाद में हम लिखेंगे ठोस नेक्स्ट, अपने पास में आएगा द्रव और लास्ट में अपने पास में आएगा द्रव क्रिस्टल। ठीक है, तो पहला अपन गुण लेंगे, देखो तरलता, तरलता मतलब बहने की प्रवृत्ति होती है तरलता। अब बताओ ठोस में तरलता का गुण होता है क्या, बोलेंगे ये तरलता नहीं दर्शाते। ठीक है, द्रव क्या करते हैं तरलता दर्शाते हैं। ठीक है, ये भी क्या करते हैं तरलता दर्शाते हैं। ठीक है, तो मतलब जो तरलता का गुण है वो द्रव और द्रव क्रिस्टल दोनों का गुण है, जबकि ठोस इससे मैच नहीं खाते। दूसरा गुण है शांतता,
ये गुण नहीं दर्शाते। देखेंगे ये दर्शाते हैं और ये भी क्या करते हैं, दर्शाते हैं। ठीक है, मतलब शांता का गुण भी द्रव और द्रव क्रिस्टल के समान है। नेक्स्ट लिखेंगे प्रस्तनाव नहीं दर्शाते हैं, ठीक है, ये क्या करते हैं, दर्शाते हैं और ये भी दर्शाते हैं। देखा कि तीन गुण क्या हो रहे हैं, द्रव और द्रव क्रिस्टलों के मिल रहे हैं। फिर नेक्स्ट गुण आता है विषम देशिकता। क्या है, दर्शाते हैं, द्रव नहीं दर्शाते हैं और ये क्या होते हैं, दर्शाते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है द्वि अपवर्तन। द्वि अपवर्तन ये दर्शाते हैं, ये नहीं दर्शाते और ये दर्शाते हैं। ठीक है, तो और अपने पास में कुछ गुण और होता है, एक और गुण होता है व्यतिकरण। ये दर्शाते हैं, नहीं दर्शाते और ये दर्शाते हैं। ठीक है, तो देखो यहां पर ये जो गुण था ये दोनों दर्शा रहे थे। ठीक है, ये वाला गुण भी दर्शा रहे थे और ये वाला गुण भी दर्शा रहे थे, मतलब तरलता, शांता, प्रस्तनाव, ये द्रव और द्रव क्रिस्टल दर्शा रहे थे अपने पास में। लेकिन जो ये गुण है विषम देशिकता, द्विअपवर्तन और व्यतिकरण, ये कौन दर्शाता है, ये ठोस और लिक्विड क्रिस्टल दोनों दर्शाते हैं। तो इनसे अपन को क्या पता चलता है कि जो लिक्विड क्रिस्टल होते हैं वो ठोस व द्रव दोनों के गुण रखते हैं, दोनों में बराबर बराबर इनको गुण होते हैं। कुछ गुण ठोस क्रिस्टलों जैसे होते हैं और कुछ गुण द्रव अवस्था जैसे होते हैं, इसलिए लिक्विड क्रिस्टलों को द्रव अवस्था और ठोस अवस्था के मध्यवर्ती अवस्था कहा जाता है। ठीक है, तो ये अपना टॉपिक खत्म हुआ, द्रव क्रिस्टलों ठोस व द्रव अवस्था में अंतर। नेक्स्ट क्लास में हम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे लिक्विड क्रिस्टल का, कि लिक्विड क्रिस्टल कितने प्रकार के होते हैं और उनके गुण क्या होते हैं। इतना पढ़ने के बाद ये यूनिट खत्म हो जाएगी, इस यूनिट में इतना ही है। तो नेक्स्ट क्लास में हम क्लासिफिकेशन ऑफ लिक्विड क्रिस्टल पढ़ेंगे।